आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। मींस आज हम यहाँ पर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई अदर टॉपिक नहीं करेंगे। आज से हम एक चीज पे डिस्कस करेंगे, वो होता है ज्योमेट्री और उसका इंट्रोडक्शन की ज्योमेट्री क्या होती है और कैसी होती है, ठीक है। देन फर्स्ट थिंग हमारे पास ये है कि जो आपकी ज्योमेट्री है तो उसमें क्या आते हैं, ट्रायंगल्स वगैरह हो जाते हैं, एंगल होते हैं, ट्रायंगल होता है, लाइन, ये सब चीज आपकी किसके अंदर आती हैं, ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। देन इनमें क्या है, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल क्या होता है और कैसे होते हैं ये एंगल्स। तो सबसे पहले आपका एंगल्स में कुछ डिग्रियां होती हैं, मतलब कुछ एक परफेक्ट डिग्री पर उन एंगल को बनाया जाता है। जैसे आपका एक एंगल होता है फ्रॉम 0 degree to 90 degree। अब 0 degree से ज़्यादा और 90 degree से कम, अब ये कौन सा एंगल होगा आपका, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो कि हमेशा क्या होता है 0 degree से ज़्यादा होता है और 90 degree से कम होता है। अब सेकेंड आ गया हमारा, सेकेंड क्या है कि एक ऐसा एंगल जो कि ना 90 से कम हो और ना ही 90 से ज़्यादा हो, मींस परफेक्ट 90 डिग्री का वो एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल होता है आपका राइट एंगल। अब परफेक्ट 90 डिग्री पे तो आपका राइट एंगल आ गया, लेकिन अब इसके बाद 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है, मींस 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, अब ये जो एंगल होता है तो ये क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। देन फोर्थ है आपका क्या, एक ऐसा एंगल बताओ जो कि 180 पर आता हो, तो 180 पर कौन सा एंगल आता है, 180 डिग्री पर एक लाइन भी होती है और एक एंगल भी होता है, तो लाइन कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है 180 पर, और यदि एंगल की बात करते हैं तो स्ट्रेट एंगल होता है आपका 180 डिग्री पर। देन अब इसके बाद 180 डिग्री से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो रिफ्लेक्स एंगल, मींस 180 से ज़्यादा और 360 से कम, 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम जो एंगल आपको होता है, वो एंगल आपको कौन सा होता है, तो वो होता है आपका एक रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये कुछ टाइप्स हैं आपके एंगल्स के, जिस पॉइंट पर मतलब जिन डिग्रीज पर ये एंगल बनते हैं तो उनके नाम कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं। मीन्स यदि 0 से 90 degree है, मतलब 0 degree से ज़्यादा है और 90 degree से कम है, तो वो आपको हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर 90 degree से यदि फिक्स 90 degree पर वो एंगल है तो आपका राइट एंगल कहलाएगा। देन 90 degree से यदि ज़्यादा है और 180 degree से कम है तो आपका वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देन आपका 180 पर यदि जो एंगल है वो होगा आपका स्ट्रेट एंगल। देन 180 डिग्री से 360 डिग्री, मीन्स 180 से ज़्यादा और 360 से कम यदि जो एंगल होगा आपका, वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब ये आपके 5 टाइप के हमने एंगल्स देखे। देन अब इनमें क्या होता है, कुछ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल भी होते हैं, तो थोड़ा देखिए पेज नंबर 91 पे है, यहां पर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, मींस अब कुछ एंगल्स देखो, ये तो ठीक है कि ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ऐसे कुछ एंगल्स आए। अब इसमें दो चीज और होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल को किस टाइप से समझेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने का तरीका ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझने का तरीका ये होता है कि कोई भी एंगल, दो एंगल का यदि सम
90 डिग्री जा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर आता है। अब नेक्स्ट चीज आ गई आपके पास क्या है, तो वो नेक्स्ट चीज है लाइन भी देख लो थोड़ी सी, एंगल का टॉपिक में ज़्यादा नहीं है। अब लाइन का टॉपिक यहाँ देखते हैं हम कि लाइंस क्या होती हैं और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लाइंस जो होती है वो एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिट लाइन कहीं भी जा सकती हैं, और लाइन खींचने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स टू डिस्टेंट पॉइंट के बीच में हमेशा हमारी क्या होती है, एक लाइन खींची जाती है। और एक सिंगल पॉइंट जो होता है, ये जैसे आपके एक सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन आपकी पास हो सकती है। मीन्स इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन आपकी एक सिंगल पॉइंट से जा सकती है। अब वो आप कैसे निकालो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में लाइन को लेके जा रहे हो। फिर थर्ड चीज क्या होती है लाइन में, कि कुछ लाइन के टाइप्स होते हैं, कुछ अलग डिफरेंट टाइप की लाइंस होती हैं। सबसे पहली आपके पास यदि मैं बात करूं तो आपके पास सबसे पहली लाइन आ गई एक पैरेलल लाइन, ठीक है। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है, अब इसमें सबसे मेन बात यह होती है कि आपका जो लाइन है एक दूसरे की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मींस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे के साथ एक इक्वी डिस्टेंस पर वो चलती रहेंगी। वो लाइन कितनी हो, एक हो, दो हो या इन्फिनिटी लाइन हो, लेकिन यदि वो पैरेलल लाइंस हैं तो वो क्या होगा, एक दूसरे के साथ कंटिन्यू इक्वी डिस्टेंस में चलती रहेंगी और एक दूसरे को कभी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देन सेकेंड यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड आती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के टाइप से होती है, मतलब एक उसको क्रॉस करती है। देन थर्ड आपकी आती है एक स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन क्या होती है आपकी, तो स्ट्रेट लाइन जो है आपकी वो एक सीधी लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है। जैसे आपका जो एंगल मेजर करने की जो डिवाइस होती है जिससे हम एंगल नापते हैं वो कैसी होती है, जीरो से 180 तक जाता है एक लाइन उसकी नीचे की, फिर ऊपर से कुछ इस टाइप का शेप बना हुआ होता है, ठीक है। देन यदि मैं उस पर लाइन को शो करूं तो लाइन क्या है मेरी, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जीरो से 180, और जीरो से 180 जो 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक यदि मैं उठाता हूं आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में भी बहुत सारी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, आइसोसेलेस और आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो, और उसे किस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा कि इसमें ये तो आपका राइट एंगल हो गया एक, ठीक, और इसमें क्या हो जाता है, एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है तो ये हो जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। अब इसमें मैटर ये करता है हमारे पास कि इसमें हमें तीन साइड हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपके ट्रायंगल की जो नीचे वाली साइड होती है, जैसे कि ये कहलाती है आपकी बेस, और एक लाइन जैसे ये होती है आपकी तो ये कहलाती है आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये जो लाइन है आपकी जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन रहती है, सीधी खड़ी हुई लाइन रहती है, तो ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये स्ट्रेट पे 90 डिग्री का एंगल बेस के साथ बनाती है। यदि अब मैं इसी चीज को यदि हिंदी में बोलूं तो ये मेरा क्या होता है, आधार होता है, और ये मेरा क्या होता है, लंब होता है, और ये मेरा क्या होता है,
मतलब आधार के बाद, सॉरी, ये होता है मेरा कर्ण, हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहा जाता है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, यदि मैं इसको बोलूं तो परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, बेस जिसको आधार बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस जिसको कर्ण बोलते हैं। अब इसकी इसमें मैटर क्या है, मेन बात क्या है कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे लंबी साइड होता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ से क्वेश्चन ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, तो वो होता है आपका हाइपोटेन्यूस। देन यदि हम बात करें कि हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम ट्रायंगल में जैसे हम कोई जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल के, तो उसमें जब हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको दो साइड है, आपके पास एक साइड नहीं है, तो आपको वो एक साइड फाइंड करो, तो जैसे उसने परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर दे दिया, बेस 4 सेंटीमीटर दे दी, तो हमें फाइंड करना है हमारा हाइपोटेन्यूस कितने सेंटीमीटर का है। तो उसमें ऐसा रहेगा आपके पास कि यहाँ पर एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप कहीं भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल से कोई भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको नहीं पता तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास 5 सेंटीमीटर अपना ये था परपेंडिकुलर, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या था, बेस था, और ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब हमें ये नहीं दिया, मतलब हाइपोटेन्यूस हमें नहीं दिया, जबकि बेस दे दिया और परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर दे दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, हम थोड़ा देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम से जाऊँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप सभी इसको आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लें, आप सभी लिख लें कि पाइथागोरस थ्योरम होती है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू द, मतलब जो आपका हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो इक्वल होता है किसके, आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होता है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू द हाइपोटेन्यूस, ऐसी आप आपकी लैंग्वेज में कह सकते हो। देन अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूस यदि पाइथागोरस थ्योरम से हम जाएं, तो हमें हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल मिल जाएगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस बेस के स्क्वायर का। अब यदि 5 सेंटीमीटर इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर तो रहेगा, लेकिन 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर तो चल ही रहा था। अब सबसे मेन बात ये होती है, जब हम इसको लिखते हैं, यदि हम LHS और RHS दोनों साथ में लेके चल रहे हैं, तो हमें implies that लगाना जरूरी होता है। इस टाइप से हम यदि एक इक्वल लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर implies that लगाना जरूरी होता है जब हम LHS और RHS लेके जाते हैं। देन अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, अब यहाँ देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यहाँ पे 25 प्लस 16 करने पर हमें क्या मिलता है, 25 प्लस 16 करने पर हमें क्या मिलता है, तो 25 और 10 35 और 5 40 और 1 41। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल हमें मिल गया यहाँ पर कितना, 41 मिल गया, और हाइपोटेन्यूस जो है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रूट ऑफ 41, मीन्स इसका जो स्क्वायर है वो किसके ऊपर, 41 के ऊपर रूट लगा देगा। ठीक है, अब रूट ऑफ 41 किसका स्क्वायर रूट है, 41 ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूस की वो रूट ऑफ 41 है। तो अब ये किसका स्क्वायर है, जैसे 6 से ऊपर स्क्वायर है ये किसी का, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 पॉइंट कुछ के अप्रॉक्स इसका है, क्या है ये स्क्वायर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 6.23 या कुछ भी डाल दो, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन में हम अप्रॉक्स डाल देते हैं, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके थोड़े आगे का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।